Assalamualaikum. जी हाँ, बहुत सारे वीलॉग्स आपने देखे हैं. आज का जो मैं वीलॉग बना रही हूँ वो IMCHF के हवाले से. अभी IMCHF क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये सर्व कर रहे हैं, तमाम बातें जानने के लिए मैं इनके इंस्टीट्यूट में आई हुई हूँ. और यहाँ पर मेरे साथ लोग भी मौजूद हैं, बिल्कुल हम बात करेंगे. निशा साहब भी मौजूद हैं, आमना भी मौजूद हैं. आमना यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पे जो है लाइव शोज भी कर रही होती हैं, गेस्ट का इंटरव्यू भी ले रही होती हैं. और निशा साहब भी यहाँ पे मौजूद, दोनों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे, पूरा एक ट्रिप पे लगाएंगे, आपको दिखाएंगे कि इस इंस्टीट्यूट में काम किस तरह चल रहा है. चलिए सबसे पहले हम मिलते हैं निशा साहब से. लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए. वेलकम टू माई चैनल पिनलेस टीवी. जी हाँ, पिनलेस टीवी पे नई चीज़ें आप देख रहे होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके काम को ज़रूर हाईलाइट किया जाए. और आप पर ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उनकी चीज़ों को लाइक ज़रूर करें, कमेंट किया करें, ताकि अच्छे काम करने वालों की हौसला अफजाई हो सके. चलिए जी, बात करते हैं निशा साहब से. निशा साहब, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी IMCHF के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए. IMCHF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मैटरनल चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन. हम एज ए एन जी ओ हेल्थ और एजुकेशन पे काम कर रहे होते हैं. हमारा यहाँ जिस सेंटर में आप आएंगी, यहाँ स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल है हमारे पास, हमारे पास एक नॉर्मल स्कूल है, हमारे पास यहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर है, शाम में हमारे पास मेटरनल क्लिनिक होती है. इसके अलावा हम सोशल सर्विस में हम दूसरे काम कर रहे होते हैं, दीवार मेहरबानी हम कर रहे होते हैं, ट्यूबवेल हम कर रहे होते हैं. अभी रिसेंटली हमने IMCHF ने ऑर्फनेज हॉस खोला है सुरजानी टाउन में. अच्छा. उसका भी कमिंग संडे को हम उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं. आपको ऊपर ले जाके स्कूल दिखाएंगे. उसके साथ हमने एक लाइब्रेरी चिल्ड्रन की बनाई है जो पब्लिक लाइब्रेरी होगी इस एरिए के बच्चों को. ये आमना थोड़ा सा बताइए इंस्टीट्यूट के हवाले से आप क्या करती हैं यहाँ पे. मैं एक्चुअली यहाँ पे मेरी डेजिग्नेशन एज अ साइकोलॉजिस्ट है और एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट है. यहाँ पर हमारे पास आपको विजिट कराएंगे सबसे पहले हम अपने नॉर्मल स्कूल में, नूरुल में स्कूल में, उसके बाद हम आपको स्पेशल स्कूल भी दिखाएंगे, IMCHF स्पेशल एजुकेशन स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर. यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर्स हैं, स्पेशल बच्चों का ये नॉर्मली स्कूल है, ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेशन होती है इनकी, और मेरा काम यहाँ पे उनकी बिहेवियर थेरेपी करना है. और इसके अलावा IMCHF के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैं फेसबुक में, जैसे कि आपने बताया कि उम्मीद सीरीज़ जो है वो चला रही होती हूँ, उसमें हम डिफरेंट इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं. बेसिक मकसद जो उम्मीद सीरीज़ का है वो ये है कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, अवेयरनेस दें बहुत सारी चीज़ों के, डिसेबिलिटीज़ के बारे में, माशरे में जो चीज़ें लैकिंग कर रही होती हैं, इनकी जो सोशल अवेयरनेस है उसके हवाले से हम लोगों से बात करते हैं कि वो लोगों को सिखाएं, समझाएं कि वो क्या जो है वो कर सकते हैं इन बच्चों के लिए और क्या इन्हें करना चाहिए, और ऐसे मदर्स को अवेयरनेस क्रिएट कर सकें जो जिनके पास इतनी बड़ी जरूरत है. सही. पाकिस्तान डे 14 अगस्त, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर
सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, इसीलिए आपको ये सारी सजावट दिख रही है, जैसे ऑरेंज डे की सजावट दिख रही है, वहाँ पे आपको छोटे छोटे झंडे दिख रहे हैं। लेकिन मेन काम जो बेसिक अभी आई एम सी एच एफ ने किया है वो एक लाइब्रेरी यहाँ पर कायम की है जो कि पब्लिक चिल्ड्रन लाइब्रेरी है। पब्लिक चिल्ड्रन लाइब्रेरी ये वैसे तो हर दिन खुली होती है, जब ये इदारा खुला होता है, लेकिन सैटरडे संडे को स्कूल ऑफ होता है। बट स्टिल यहाँ पर बच्चे आ सकते हैं, अपना कार्ड बना सकते हैं, यहाँ पर बैठ के जो है अपनी किताबें पढ़ सकते हैं, इशू उनको किताबें हो जाती हैं। हमारे पास लाइब्रेरियन है जो सैटरडे संडे को बैठती हैं, जब बच्चों की छुट्टी होती है वो यहाँ पर आके बुक्स को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अभी इस लाइब्रेरी में नई चीज़ स्टार्ट होगी, डिजिटल लाइब्रेरी के तौर पर डॉक्टर सुबैर इसको बना रहे हैं। यहाँ पर लैपटॉप्स होंगे, लाइब्रेरियन लैपटॉप में ई बुक्स रखेंगी, ई बुक्स के थ्रू बच्चे पढ़ सकेंगे। और उसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि आजकल डिजिटल दौर है, लैपटॉप्स का दौर है, कंप्यूटर्स का दौर है, और उसमें जो है वो बच्चे नई चीज़ें सीख सकेंगे और ये सारे काम कर सकेंगे। स्कूल के साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी कर सकेंगे, और जब सैटरडे संडे को बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं स्कूल्स की कॉलेजेस की, तब भी वो आके यहाँ पर अपने वक्त को अवेल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवाना है और मैं आई एम सी एच एफ नूर उलूम स्कूल में एज अ प्रिंसिपल काम करती हूँ। और यहाँ पर ऐसे बच्चों को तालीम दी जाती है जो कि स्कूल के अखराजात फीसें ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये आई एम सी एच एफ वोकेशनल सेंटर पे हम आए हुए हैं, यहाँ मैडम शीनी जो है वो इसको रन कर रही होती है, और उनके साथ टीचर जो है वो बच्चों को मतलब फीमेल्स को बेसिकली वोकेशनल सिखा रही होती है। यहाँ पर आपको नज़र आएंगे जो हमारी वोकेशन सेंटर की स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो भी चीज़ें यहाँ बनाई हैं। अपने फिजियोथेरेपी रूम में फिजिकल थेरेपी स्पेशल, ये जो मैं आपको बताती चलूँ कि ये हमारा जो डिपार्टमेंट है ये स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, और उसमें स्पेशल बच्चों की फिजियोथेरेपी की नीड भी होती है। बाकी यहाँ पे सुबह में भी फिजियोथेरेपिस्ट होती हैं, दोपहर में भी फिजियोथेरेपिस्ट डिफरेंट होती हैं, डॉक्टर ऑफ डीपीटी, और शाम में मेल डीपीटी होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो यहाँ पर फिजियोथेरेपी आउटसाइडर पेशेंट्स की भी ले रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बच्चे इनरोल्ड हैं उनको भी ले रहे होते हैं। बाकी मैं आपको ये रूम दिखाती चलूँगी। ये बच्चे की फिजियोथेरेपी हो रही है, ने स्पीच थेरेपी रूम में, ये स्पीच थेरेपी रूम भी इसी तरह से काम करता है। हमारे पास जो स्पेशल बच्चे जो एनरोल्ड हैं उनकी स्पीच थेरेपीज होती हैं, आउटसाइडर पेशेंट्स भी यहाँ पर आते हैं जो चाहते हैं कि उनकी सिर्फ स्पीच थेरेपी हो, बट वो एनरोल नहीं करना चाहते। कुछ बच्चों को सिर्फ स्पीच का इशू होता है तो वो यहाँ पर एनरोल करवाते हैं अपने बच्चों को स्पीच थेरेपी के लिए। जो साइड में कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं वो वोकेशनल की हैं, बच्चों से हम उसके बच्चे से वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं, उसकी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बाकी ये जो है वो ऑक्यूपेशन थेरेपी और सेंसरी के तौर पर बच्चों के लिए सजावट की हुई है। यहाँ पर हमारे पास जो बच्ची है एनरोल्ड है, ये आयशा, इनकी स्पीच थेरेपी का सेशन अभी जो है वो जारी है। चीज़ें हमारी होती हैं टूल्स यूज़ किया करते हैं हम स्पीच थेरेपी के हवाले से, जो बच्चे बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं तो उनकी टंग एक्सरसाइजेज होती है, जॉज एक्सरसाइज होती है, सारी एक्सरसाइज हमें करवानी पड़ती है। जैसे मैं इस बच्चे की आयशा बोलते को फातिमा से, मैं छोटी सी बात ये जानना चाहूँगी, कितना डिफिकल्ट काम होता है इन बच्चों को टीच करना। बच्चों के अंदर कुछ भी इश्यूज आते हैं बिहेवियर में, सिटिंग्स के अंदर, तो वो हम उनको प्यार से मोहब्बत के साथ टैकल करते हैं, ताकि क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं मोहब्बत की जबान को समझते हैं। आज का वीलॉग जो है वो आई एम सी एच एफ की वर्किंग के हवाले से था, और मैंने पूरा आपको इनका स्कूल भी दिखाया जो कि एक नॉर्मल बच्चों के हवाले से स्कूल है और एक स्पेशल बच्चों के हवाले से स्कूल है।
वो भी मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे लिविंग टीचर्स काम कर रही हैं और उनसे भी हमने बात की और जाना कि काम डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसके लिए आपको कहना चाहिए कि एक दिल की, एक हिम्मत की, एक पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर बस मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनका साथ दें, उनको अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। शिकफा यास्मीन को दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। खुदा हाफ़िज़।